आदिकगर हियर एंड टुडे वी एर गोइंग टू टॉक फर्स्ट चैप्टर ऑफ़ अवर केमिस्ट्री टेक्स्टबुक एंड व्हाट इस दैट मैटर इन अ सराउंडिंग दिस इस अ सेशन नंबर फाइव ऑफ़ अ चैप्टर व्हिच इंक्लूड्स अबाउट लेटेंट हीट ओके कि सेशन नंबर फाइव है हमारा जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अबाउ

यदि हम हीट अप्लाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज लाने के लिए तो क्या होता है कि कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता उसके टेम्परेचर पे दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता उसका रीजन क्या होता है उसका रीजन होता है लेटेंट हीट ठीक है क्या होता है जब कभी भी किसी स्टेट को चेंज करते हैं जब स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करते हैं हम सब्सटेंस को तो क्या होता है उसका टेम्परेचर वैसा ही रहता है जैसा पहले था दैट इज उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नहीं आता वो किसका रीजन होता है लेटेंट हीट का लेटेंट हीट की वजह से ही नहीं आता दिस इज द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लेटेंट हीट क्लियर सो द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट क्या होती है वो हीट जो किसी भी सबस्टेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है हमें लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है या गैस से सॉलिड में चेंज करना है या लिक्विड से गैस में चेंज करना है जितने भी इंटरकन्वर्जन के प्रोसेस होते हैं उनमें जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है जो भी हीट एनर्जी हम देते हैं वही क्या होती है लेटेंट हीट समझ में आई आई रिपीट

कैसे पॉसिबल है ये सो so, मैं समझाती हूँ क्या है एक्चुअली so, एक्चुअली हो गया मतलब ऐसी heat जो छुपी रहती है कहीं ना कहीं ठीक है छुपी रहती है आई मीन टू से जब हम सबिस्टेंस की स्टेट को चेंज करते हैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा बट हीट हम दे रहे हैं तो ये किसकी वजह से होता है लेटेंट हीट की वजह से जिसे हम बोल सकते हैं हिडन हीट की वजह से क्लियर लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती इट ऑलवेज सप्लाई टू चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस किस लिए सप्लाई की जाती है कि जो सब्सटेंस है उसकी जो स्टेट है उसमें चेंज किया जाए लाइक दैट सॉलिड है आइस है उसे हमें लिक्विड में चेंज करना है तो ऑब्वियसली हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है बट वो हीट कैसी होती है लेटेंट हीट होती है दैट इज टेम्परेचर जो पहले था वही बाद में रहेगा स्टेट में चेंज होने के बावजूद क्लियर हुई है वाली बात लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट वो क्या होती है टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है सब के और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज करने के लिए अप्लाई की जाती है लेटेंट हीट के बारे में यदि हम पढ़े तो हम नॉर्मली ये पढ़ सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए लेटेंट हीट बिकम हिडन इन द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज ऑफ स्टेट लेटेंट हीट क्या होती है छुपी हुई रहती है सब्सटेंस में अंडर उन सब्सटेंसेस में जो जिनकी स्टेट चेंज हो रही है दैट इज इज सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है या लिक्विड से गैस चेंज हो रहा है हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं आएगा क्योंकि जो वो वो हीट 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 है 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 कौन सी कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय अ के थ्रू हम को डिटेक्ट कर ही नहीं सकते क्लियर क्यों नहीं कर सकते क्योंकि थर्मोमीटर क्या नापता है जो टेम्परेचर इंक्रीजमेंट है डिक्रीजमेंट है अब जब टेम्परेचर में वेरिएशन ही नहीं हो रहा तो जो थर्मोमीटर है क्या डिटेक्ट करेगा कुछ भी नहीं दिस इज द रीजन लिटेनोटेडर क्लियर इट इज यूज स्टेट्स क्या होता है ये क्या करती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में उनसे ओवरकम कैसे करना है ठीक है ये वाले हीट का मेन पर्पस यही होता है कि चेंज कैसे करना है स्टेट को मैटर की विदाउट

तो दो टाइप हो गए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वन बाय वन यदि हम इनकी स्टडी करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज हीट का वो अमाउंट हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो किसी भी एक किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए चाहिए होता है कितने प्रेशर पे कौन से पे? पे. उसे क्या बोलेंगे हम? तो क्या हुआ लेट एंड हीट फ्यूजन दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड रिमेम्बर वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर at its melting point is known as latent heat of fusion. एक्सप्लेनेशन यदि हमें करते हैं इसकी यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली हम इसे समझ सकते हैं दिस इज द वर्नर जिसके थ्रू हम हीट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ बीकर है जिसमें आइस रखी हुई है यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है दिस वन इज थर्मोमीटर ठीक है ये ग्लास स्टीलर है जिससे हम आइस को घुमाएंगे उसमें चलाएंगे ये बीकर हो गया ये आयरन स्टैंड हो गया ठीक है हमने क्या करा बर्नर से हीट प्रोवाइड करी आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई उसका फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया किस में स्टेट में, I mean में। हमने थर्मोमीटर से आइस का टेम्परेचर मीजर किया ठीक है आफ्टर दैट जब हमने हीट दी उसके बाद जब लिक्विड स्टेट में सबस्टेंस चेंज हो गया तब भी हमने थर्मोमीटर का यूज किया और टेम्परेचर नोटिस किया हमें क्या मिला कि जो टेम्परेचर पहले था that is, जब आइस थी, जब हमने हीट प्रोवाइड नहीं थी नहीं करी थी, तब जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर तब रहा जब लिक्विड स्टेट में हमने चेंज कर दिया दैट इज जब हमने हीट प्रोवाइड कर दी तो क्या समझ आया यहाँ से दैट जो हीट थी वो हिडन रही टेम्परेचर पे कोई अफेक्ट नहीं डाला उसने क्लियर तो ये क्या हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ इज जो टेम्परेचर है वो सॉलिड स्टेट में भी वही था जो लिक्विड स्टेट में हुआ Clear? अब आती है इन टू वेपर स्टेट वहां पे क्या था हम सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे थे यहाँ पे हम लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में चेंज करेंगे तो हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो एक किलोग्राम लिक्विड को ठीक है एक किलोग्राम लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे विदाउट एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर बिना किसी टेम्परेचर में राइज किए हुए उसे क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज क्या हुआ हमें क्या करना है हीट एनर्जी है हमारे पास अवेलेबल हमें वो प्रोवाइड करनी है लिक्विड स्टेट को वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो वो कौन सी हीट कहलाएगी जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर अबाउट दिस फैक्ट दैट इज यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं सेम यहाँ पे बर्नर प्रोवाइडेड है यहाँ पे पहले उसमें हमने देखा था आइस प्रेजेंट थी यहाँ पे हमने वाटर रखा हुआ है राइट right? हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी क्या होगा ऑल्सो बिफोर अप्लाइंग हीट एनर्जी हम पहले थर्मोमीटर से मीजर कर लेंगे कि वाटर का कितना है राइट right? उसके बाद जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जब हम उसका टेम्परेचर मीजर करेंगे तो टेम्परेचर वही आएगा जो पहले था क्लियर जो टेम्परेचर हमारा पहले था सबस्टेंस का वही टेम्परेचर रहेगा इससे क्या पता चला? That जो हीट है वो वहां पे यूज हो रही है State तो matter की हो 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 रही है. Remember? State जो है change हो रही है, है है, जो जैसे पहले भी ice से से में में हुआ था, यहां पे liquid से gases में conversion हो रहा है. लेकिन जो टेम्परेचर है वो डिटो वही है जो पहले था देशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो ये किसकी एक्सप्लेनेशन हो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्लियर अबाउट दिस फैक्ट लेटेंट हीट ऑफ़ फ्यूजन में 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 आइस से हम लिक्विड लिक्विड चेंज चेंज कर रहे थे और प्रेशर सॉरी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा दैट इज क्या है यहाँ पे लेटेंट हीट अवेलेबल है तो चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क यदि हम इसका लें तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क ये बनता है इस सेशन से

ज दिस हीट एनर्जी को ये जो हीट एनर्जी है वो कहाँ चाहती है दिस इज योर क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दिस इन जस्ट फाइव सेव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड लेट चेक आउट वेर अ सॉलिड इज हीटेड

क्या होता है जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर तो क्या हुआ लेट एंड हीट की प्रेजेंस होने की वजह से टेम्परेचर में चेंज नहीं आया और जो स्टेट है वो चेंज हो गई सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो यही तो कॉन्सेप्ट था ना लेटेंट हीट का दैट इज स्टेट एक से चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है लिक्विड टू सॉलिड सॉलिड चेंज चेंज हो हो रहा है, हो रहा है है गैस से बट आई मीन टू से इंटर कन्वर्जन के सारे अवेलेबल है सारे हो पाते हैं लेकिन जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से टेम्परेचर राइज नहीं होता और उसका मेन रीजन यही होता है लेटेंट हीट जो की एक हिडन हीट होती है So, what we today? We about latent heat. हमने पढ़ा क्या होती है ये एक hidden heat होती है जो सिर्फ rise है जो को किए बिना state में change लाती ऑल्सो हमने क्या पढ़ा इसके टाइप्स पढ़े ऑल्सो उनके एक्सप्लेनेशन पढ़े एंड हमने ये जाना कि सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड से सॉलिड में जब चेंज होता है तो जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसकी वजह से टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता so this was all from this session in next session we will gonna talk about evaporation and its effect so i think that's enough for now good luck